तो जी न्यूज पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ कल कई किसान संगठन और 12 राजनीतिक पार्टियां भारत बंद करने जा रहे हैं, लेकिन इस भारत बंद से हमें और आपको और आम आदमी को परेशान करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर कई लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। दरअसल लोगों को जाम में फंसाकर किसका भला होगा, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जी न्यूज देशहित में ये मानता है कि कोई भी आंदोलन जनता विरोधी नहीं होना चाहिए। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर भारत बंद में किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या ये किसान आंदोलन के राजनीतिक अपहरण की कोशिश तो नहीं? इन सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 12वें दिन ये सियासत की एंट्री की तस्वीरें हैं। सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? ये तस्वीरें देखिए, ये नारे सुनिए और अंदाजा लगाइए कि नेताओं का ये प्रदर्शन किसके हित में है। किसान आंदोलन और आंदोलन पर राजनीति की ये दो तस्वीरें देखिए, किसानों के आंदोलन में शांति और पार्टियों के प्रदर्शन में अशांति की तस्वीरें देखिए। आप समझ जाएंगे कि किसान क्यों डर रहे हैं कि पार्टियां उनके आंदोलन को अपने फायदे के लिए हाईजैक न कर लें। राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उनको हम इसमें अपने घुसने नहीं देंगे। बाहर से समर्थन कर रहे हैं, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको जो है हाईजैक करने वाली बात वो किसान जानता है अच्छी तरीके से। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन को, विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, इसको हम हाईजैक नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया पे छाने के लिए, अपना एक्टिव रहने के लिए आके हमें समर्थन दे रहे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। अगर ये समर्थन देते हैं, अपना हमारे से 1 किलोमीटर अपना तंबू गाड़ दे, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को लेकर बैठ जाए, हमारे बीच में नहीं बैठे। सोचिए, जो किसान 11 दिन से लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान अपने आंदोलन के लिए देश का समर्थन चाहते हैं, वो नेताओं को खुद से दूर क्यों रखना चाहते हैं? प्रदर्शनकारी क्यों चाहते हैं कि नेता उनके आंदोलन में ना घुस पाए? प्रदर्शनकारियों को क्यों डर है कि नेता कहीं किसानों के आंदोलन को हाईजैक न करे? मुलायम सिंह या अखिलेश यहाँ आके सोए हमारे साथ, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पहने, हमारे साथ रहो, तब मानेंगे ना समर्थन। एक पर्चे पे देकर हमें हाईजैक करने की कोशिश ना करें। तो सुनिए, किसान क्यों नेताओं से डरे हुए हैं? क्यों किसानों को लग रहा है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद के ये नारे किसानों के भले की बजाय समाजवादी पार्टी के भले के लिए हैं? किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने निकले अखिलेश यादव आज कन्नौज में हिरासत में लिए गए। अखिलेश ने कृषि बिल को किसान विरोधी भी बताया। अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाना चाहिए। लेकिन कन्नौज से करीब 450 किलोमीटर दूर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अखिलेश यादव पर क्यों पूरा विश्वास नहीं है? इसकी एक वजह वो आरोप है जो समाजवादी पार्टी पर लगे हैं। आरोप है कि यूपीए सरकार के वक्त मुलायम सिंह कृषि बिल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक फायदे के लिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। इन सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों से मिलकर उनके आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिले और कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह
किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। आज केजरीवाल कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि केजरीवाल कैबिनेट इसी कृषि बिल में एक कानून दिल्ली में लागू कर चुकी है। तो क्या ये 12 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को धोखा नहीं है? आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नेताओं से ये डर अपनी चिट्ठी में भी बताया है। अभी तक ये आंदोलन अनुशासित चला है, लेकिन ताजा घटनाक्रम को देखते हुए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रद्रोही तत्व और कुछ राजनीतिक दलों का प्रयास किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने की कोशिश की ओर प्रयासरत है। अंदेशा है कि 2017 में मंदसौर की दर्दनाक स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो जाए, जहां 6 किसानों की दर्दनाक मौत हुई। उस समय जिन लोगों ने किसानों को हिंसक आंदोलन में झोंका, वो नेता मंत्री बन गए, लेकिन जो जले मरे उनका परिवार बर्बादी का दंश झेल रहा है। इसीलिए भारतीय किसान संघ ने 8 दिसंबर को भारत बंद से अलग रहने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ कल होने वाले भारत बंद में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन किसान यूनियन ने आज भारत बंद आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। सभी लोग अपने आप, सभी बाजार बंद करने की कह रहे हैं, सभी लोग तैयार हैं इस बंद के लिए, बिल्कुल जाम रहेगा। और जब तक छोड़ की सवाल है, जो पहले भी मेडिकल वगैरह जो इमरजेंसी होती थी उसको छोड़ थी, अभी उसको छोड़ होगी। किसानों को डर है कि राजनीतिक पार्टियां उनके आंदोलन में घुसी तो देश का माहौल बिगड़ सकता है, विवाद सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ सकता है और आंदोलन का राजनीतिक अपहरण हो सकता है। देश हित में जी न्यूज का भी सवाल है, जब बातचीत जारी है तो फिर भारत बंद की क्या जरूरत? किसान सरकार में सीधी बातचीत, विपक्षी पार्टियां क्यों उतरी? क्या विपक्षी पार्टियां आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं कर रही हैं? छठे दौर की बातचीत से पहले दबाव की क्यों जरूरत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल होने वाले भारत बंद को लेकर किसान संगठनों की तरफ से क्या क्या दावे किए गए हैं, इससे जुड़ी 10 बातें आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की तैयारी है, हाईवे ब्लॉक करेंगे और टोल बूथ बंद कराएंगे। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को रोका जाएगा। दिल्ली पहुंचने वाली सभी सड़कें बंद होंगी। दिल्ली में कैब और ऑटो का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन पर असर पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बंद में शामिल है। सिर्फ एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रहेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं। कल होने वाली शादियों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हिंसा की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब जब हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं तो आपको याद दिला दें, ये बातें किसानों की तरफ से कही जा रही हैं। सरकार की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जाएगी कि आपसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, आपकी जरूरत की जो चीजें हैं, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन सवाल एक ये भी उठ रहा है, क्या कल भारत बंद में देश फिर से राजनीति का बंधक तो नहीं बन जाएगा? बंद को कुछ किसान संगठन और देश की 12 पार्टियों का समर्थन है। यहां ना भूलें कि आंदोलन का, किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है और कल भारत बंद के बाद 14वें दिन, यानी सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत होनी है वो इस आंदोलन का 14वां दिन, छठे दौर की बातचीत। क्या ये बातचीत से पहले इस बंद को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी माना जा सकता है? अब सवाल यह भी उठता है कि इस भारत बंद से किसानों का हित कितना होगा? क्या इसका सही जवाब किसी के पास है? दरअसल इसका पूरे तरीके से कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक बात साफ है, भारत बंद की कोई भी कोशिश देश हित में नहीं होती है। सीआईआई की एक रिपोर्ट जो साल 2016 की है, उसके मुताबिक एक दिन भारत बंद से देश की इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। अगर सिर्फ ट्रक हड़ताल होती है तो इकोनॉमी को एक दिन में 7,000 करोड़ रुपयों का, उससे भी ज्यादा का कहना चाहिए, नुकसान होता है।
8 दिसंबर को भारत बंद में ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से चक्का जाम को समर्थन मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम आपसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि भारत बंद से देश का क्या कोई हित होने वाला है। और अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कल भारत बंद की तस्वीर कैसी हो सकती है। इसका एक ट्रेलर दरअसल आज दिल्ली में दिखाई भी दिया। आज डीएनडी जाम रहा, फरीदाबाद का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, गाजीपुर के रास्ते पर किसान डटे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर किसान का पहरा है। यानी जो तस्वीर आज दिल्ली की दिखाई दे रही है वो कल आपको देश के कई हिस्सों में नजर आ सकती है। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे हैं शरद पवार ने मुझे 2011 में चिट्ठी लिखी थी। देखिए बार बार 2008 का जिक्र आप सुन रहे हैं। एपीएमसी एक्ट में बदलाव को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी शरद पवार द्वारा। उसी दौरे चरित्र को बार बार बीजेपी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जब सत्ता में आते हैं तो कुछ और भाषा बोलते हैं, उसे कानून बताने लगते हैं, और जब विपक्ष में जाते हैं तो उसे ही काला कानून बताने लगते हैं। And Shivraji is here to address the national issues. Can you please ask those questions in relation to the farm laws, please? Sir, farmers across all the states in the country, in every corner, are expecting agriculture reforms. Like you have got this bill, but they are complaining about the infrastructure and direct marketing technology. शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को याद दिलाते हुए, एनसीपी को याद दिलाते हुए कि जब वो सत्ता में थे तो किस तरह की बातें वो करते थे, यानी दोहरे चरित्र को एक्सपोज करते हुए यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर कहते हुए मध्य प्रदेश के सीएम। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कल भारत बंद की तस्वीर कैसी हो सकती है, उसका ट्रेलर राजधानी दिल्ली में कैसे दिखा, कहाँ दिखा, देखिए आप। किसान आंदोलन की ये तस्वीरें कल होने वाले भारत बंद से मुसीबत का ट्रेलर है। जी न्यूज के ड्रोन कैमरे से लिया गया भयानक जाम का ये वीडियो दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर का है। ये वीडियो देश को अलर्ट करने के लिए है कि कल देश में कई जगहों की ऐसी ही तस्वीर हो सकती है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सभी जगह के लोग परेशान हैं। किसी को ऑफिस तो किसी को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम मौजूद हैं डीएनडी पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यानी कि 3 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा से डीएनडी जाने वाले रास्ते पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है वहाँ तक वाहनों का जाम लगा हुआ है। और यही हालात डीएनडी पार करने के बाद दिल्ली की तरफ भी हैं, यानी गाड़ियाँ घंटों यहाँ पर पूरा गाड़ियाँ जो है घंटों यहाँ से रेंगती हुई जा रही हैं, और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कल भारत बंद और किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर भी सील हो चुका है। पलवल से आए किसान फरीदाबाद में रोके गए हैं। मध्य प्रदेश से आए किसानों को भी वहीं रोका गया है। किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, इसलिए आज फरीदाबाद बॉर्डर सील रहा। लोग परेशान रहे और यही स्थिति कल भी रहेगी। मथुरा से बच्चा है भैया, ये बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करें, बहुत परेशान है, सीरियस हालत है। भैया समस्या है, बड़ी परेशान हो रहे हैं, घर वाले बहुत दिक्कत आ रही है। कलाम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे से होने वाले इस प्रदर्शन से आईटीओ और आसपास के इलाके पूरी तरह से जाम हो सकते हैं। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कल दिल्ली और आसपास के शहरों में उबर टैक्सी भी नहीं चलेगी। सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने भारत बंद को समर्थन दिया है। एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है, बाद में आगे की रणनीति तय होगी। तीनों कानून जो एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है, यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। कॉर्पोरेट को मदद करने वाले जो कानून है ये किसी भी हालत में
मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और इसलिए ये 8 तारीख का भारत बंद इसका कॉल दिया है। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली के आसपास जाम लगना तय है। रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती, बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता। बाजार से लेकर सामान्य जीवन तक बुरा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में कल आप इन बातों का ख्याल जरूर रखें। जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, राज्यों के बॉर्डर के करीब न जाएं, बच्चे और बुजुर्ग घर में ही रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई अफवाह न फैलाएं, ऑफिस जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ट्रैफिक से जुड़े अपडेट लेकर ही घर से निकलें। सरकार भी आंदोलनकारियों से निपटने के एहतियाती कदम उठाती दिख रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर से आई, जहां किसी भी हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। सभी लोग अपने आप सभी बाजार बंद करने की कह रहे हैं, सभी लोग तैयार हैं इस बंद के लिए, बिल्कुल जाम रहेगा। और जब तक छोट की सवाल है, जो पहले भी मेडिकल वगैरह जो इमरजेंसी होती थी उसको छोट थी, अभी उसको छोट होगी। हम पूरा भारत चप्पा चप्पा सील करेंगे और एक दिन नहीं सील करेंगे, आने वाले दिनों में भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। सरकार किसानों को समझाने के लिए बैठकों पर बैठक कर रही है, तो किसान आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है, जहां सुरक्षा बल मॉक ड्रिल कर हर हालात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के सबसे आगे होगी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, जो जमीन पर बैठकर किसानों से आगे ना बढ़ने का निवेदन करेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी ऐसे ही जमीन पर बैठकर गांधीगिरी से किसानों को समझाएगी, तब भी हालात नहीं संभले तो बीएसएफ की टुकड़ी एक्शन में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत बंद का कहां कितना असर देखने को मिलेगा। जिन राज्यों में इसका ज्यादा असर दिखने की संभावनाएं हैं तो आपको बता देते हैं, उन राज्यों में पंजाब, क्योंकि पंजाब के किसान भारी संख्या में इस वक्त डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर भी, आपको पता है। देखिए, साथ ही हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान होता है भारत बंद से। और देखिए, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो राज्य रेड कलर में जहां पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, मिला जुला असर जहां पर मुमकिन है, और साथ ही कम असर जो कि आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं हम इस मैप के माध्यम से, किन राज्यों में ज्यादा असर, कहां पर मिला जुला असर और कहां पर इसका असर कम होने की संभावना है। अब आपको दिल्ली में डटे किसानों के इंतजामों की हाईटेक तस्वीरें हम दिखाते हैं। आपने अभी तक ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी नहीं देखा होगा, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसान एसी, ऐसे कई हाईटेक तैयारियों के साथ डटे हुए हैं ताकि ज्यादा वक्त तक वो आंदोलन अगर करना पड़ता है तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। भाई, कृषि का प्रधान देश मेरा हिंदुस्तान बताया रे, गौ माता की पूजा हो, नारी सम्मान करा। ये कृषि बिल के खिलाफ किसानों की रागिनी है। जगह है दिल्ली नोएडा बॉर्डर और मोदी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए किसानों का ये नया तरीका है। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर बैठे किसान अब रागनी के जरिए अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं। किसान के अमन चैन की जिंदगी जान चाहता है, तो उसने कहा है, भाई कृषि का प्रधान देश मेरा हिंदुस्तान बताया रे, गौ माता की पूजा हो, नारी सम्मान कराया, यहाँ खिले चमन में फूल जहाँ वरों ने गीत सुनाया, हे भारत मां तस्वीर देख दिल ली यूपी हरियाणे की, देखे वीर जवान खान जा दूध दही घी खाने की, देखे वीर जवान खान जा दूध दही घी खाने की। और अब किसानों के प्रदर्शन जारी रखने की हाईटेक तैयारियों का ये वीडियो देखिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ये ट्रैक्टर ट्रॉली इसीलिए खास है क्योंकि इसमें बेड से लेकर लाइट और एसी से लेकर इन्वर्टर तक हाईटेक इंतजाम। किसानों के मुताबिक आंदोलन 6 महीने और चला तो ये हाईटेक ट्रॉली उनकी मदद करेगी। जो हमारा जो वेस्ट सामान घर पे पड़ा था, ट्रॉली तो हमारी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली होती किसान के पास, तो जो भी वेस्टेज थी, हमारे जो सामान पड़े हुए थे बचे बचाए या थोड़ा बहुत कुछ बाजार से लेकर, ये हमने खुद तैयार करी है सबने मिलकर। और एसी, जैसे कोई पुराना किसी ने एसी दे दिया हमको, वो हमने लगा लिया कि कहीं हो सकता है ये लड़ाई लड़ते लड़ते
क्या पता जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कब तक चले। अब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी देखिए। यहाँ किसानों के लिए एक ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन लगाई गई है। इस मशीन में आंदोलनकारियों के लिए एक घंटे में 2000 से ज्यादा रोटियां बनाई जाती है। ये सर जी एक घंटे में 2000 प्रसादे बनाती है। ऐसी मशीनें हमारी रकाबगंज बंगला साहब लगी हैं जो 5-5 हज़ार बनाती हैं, बड़ी मशीनें हैं। वहाँ से लंगर बन के यहाँ पे रोज आ रहा है, लेकिन कुछ पुलिस वाले हमें आने नहीं देते, तो इस करके ये मशीन यहाँ पे लगा दी है। प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर पर 11 दिन से जमे हुए। आज आंदोलन का 12वां दिन है। आंदोलन कितना खिंचेगा ये अभी पता नहीं, इसीलिए यहाँ पानी के इंतजाम से लेकर टी स्टॉल और खाने पीने के अलावा चप्पल की दुकानें भी खुल गई। सिंघू बॉर्डर की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार 11-12 दिन आंदोलन को हो चुके हैं और जिस तरह से तमाम लोग हैं डटे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सेवा भाव के लिए भी तमाम लोग आते हैं, केला लेके पहुंचे हैं और यहाँ बादाम की जो लस्सी है उसको घोट के पिलाया जा रहा है। और ये ताकत और ये देखिए पूरी मेहनत के साथ तमाम जो किसान है वो डटे हुए हैं, इनकी सेवा भाव करने वालों लोगों की भी कमी नहीं। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के परिवारों की महिलाएं भी हैं जो आंदोलन में लोक गीतों के रंग घोल रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों के लिए मेडिकल कैंप भी खुल गए हैं ताकि जरूरतमंद किसानों को दवाएं मिल सके और आंदोलन के रास्ते में बीमारी परेशानी ना बने। कृषि बिल के विरोध की ये अनोखी तस्वीरें पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब की हैं, जहां शादी में भी किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध के झंडे लहराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। औदेशिक ब्रेकिंग का वक्त हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में केरल सरकार। जी हां, केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार कह रहे हैं कि इस हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार। वो मौजूदा कानूनों को किसान विरोधी कानून बता रहे हैं, कह रहे हैं कि केरल में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि वैकल्पिक कानून पर विचार किया जा रहा है। तो दो बातें बड़ी केरल सरकार की तरफ से, एक तो जो मौजूदा किसानों से जुड़े हुए कानून हैं उनको वो लागू नहीं करेंगे, जिन्हें लेकर आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो उन कानूनों को लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वैकल्पिक कानून पर विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिल्ली की बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं और 2 पंजाब के। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए हैं। ये 5 आतंकवादी नार्को टेररिज्म में शामिल थे। ISI भारत में नार्को टेररिज्म को पाकिस्तान से अंजाम दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ISI इसी के साथ साथ पंजाब में खालिस्तान की नापाक जमीन को तैयार भी कर रही है। दिल्ली की सड़क पर एक संदिग्ध कार, सफेद रंग की कार पर जम्मू कश्मीर का नंबर, जमीन से कारतूस उठाते पुलिस वाले, सड़क पर कई जगह घटना के सबूत। दिल्ली में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। देश की राजधानी दिल्ली से 5 आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली के शकरपुर इलाके का यही वो स्पॉट है जहां पर आज सवेरे करीब 7 बजे 5 आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 13 राउंड गोलियां चली हैं जो कि दोनों की तरफ से चलाई गई हैं, जिसके बाद इन 5 आतंकियों को यहीं पर घेर करके पकड़ लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्तौल, 2 किलो हेरोइन और 1,00,000 रुपए नकद बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पहले आप इन 5 आतंकवादियों के बारे में जानिए, इसके बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा भी बताएंगे। गिरफ्तार आरोपियों में 3 कश्मीर के हैं, 2 पंजाब के हैं। कश्मीर के तीनों आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जबकि पंजाब के 2 संदिग्ध राज्य के बड़े गैंगस्टर।
दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ये सभी पांचों आरोपी नार्को टेररिज्म से जुड़े हैं और पाकिस्तान की ISI भारत में इनके जरिए ड्रग्स की सप्लाई कराती थी। तो ये कश्मीर के जो लोग थे, इनका कनेक्शन हिजबुल मुजाहिदीन से है। ये हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा था टेरर फाइनेंसिंग के लिए, जहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे, ड्रग्स के पैसे से ये टारगेट किलिंग्स वगैरह को एग्जीक्यूट कराया जा रहा था। नार्को टेररिज्म अपने आप में चौंकाने वाला है। इसमें ड्रग्स के पैसों का इस्तेमाल आतंक के लिए होता है। नकली नोटों पर नकेल कसने के बाद पाकिस्तान ने ड्रग्स को टेरर फाइनेंसिंग का हथियार बनाया है। पाकिस्तान की ISI अफगानिस्तान से कश्मीर में ड्रग्स की सप्लाई कराती है। कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स तक ड्रग्स पहुंचाई जाती है। इसके बाद यही OGWs ड्रग्स को भारत के दूसरे राज्यों में बेचने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब से गिरफ्तार दोनों आरोपी गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह इसी नार्को टेररिज्म का हिस्सा हैं। पुलिस ने इनके पास से 8 करोड़ की हेरोइन, 1 लाख नकद और 2 कार जब्त की है। बड़ी बात यह है कि ISI इसी के साथ भारत के खिलाफ 2 साजिशें एक साथ रच रही है। पहला ड्रग्स के पैसे से आतंकवादियों को टेरर फंडिंग और दूसरा पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने की नाकाम कोशिश। कश्मीर का टेररिज्म और खालिस्तान का एलिज टेररिज्म जो है, इसको लिंकअप करने की कोशिश की जा रही है गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके और ड्रग्स का इस्तेमाल करके। इसी जो मास्टरमाइंड है वो ISI है। सबसे बड़ी बात, नार्को टेररिज्म से ISI सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए टारगेट किलिंग कर रही है। इसका खुलासा इस बात से हुआ है कि दिल्ली में गिरफ्तार पंजाब के गैंगस्टर गुरजीत सिंह ने ही अक्टूबर में शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या की थी। बलविंदर सिंह पंजाब के कई ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। सुख भिखारीवाल है, सुख भिखारीवाल पहले भी नोटिस में आ चुका है। इन्होंने जैसे कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की जो किलिंग की थी, उसमें भी सुख भिखारीवाल का नाम ऐसे मास्टरमाइंड आया था। दिल्ली पुलिस ने ISI का पर्दाफाश किया है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों से आगे की पूछताछ के बाद कई और जानकारी सामने आ सकती है। जितेन शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। पांचों आतंकवादी दिल्ली के शकरपुर से पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कई खुलासे भी किए। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के ISI के अफगानिस्तान में भी उसकी मौजूदगी है, वहां से टेरर फाइनेंस ऑपरेट करती ISI। कश्मीर में टेरर नेटवर्क के जरिए ड्रग्स को भारत भिजवाया जाता है। भारत में ड्रग्स बिक जाती है तो उसी पैसे से भारत में टेरर फाइनेंसिंग होती है। जो लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं उनकी हत्या करवा दी जाती है। पंजाब में टारगेट किलिंग का काम भी यही लोग अंजाम दे रहे थे। एक और बात, कश्मीर का रहने वाला आरोपी पठान हिजबुल मुजाहिदीन से है। वो हिजबुल का ओवरग्राउंड वर्कर है। पठान का भाई POK में रहता है। ये लोग ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। ISI खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों का टेरर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब के लड़कों के पीछे गैंगस्टर सुख भिखारीवाल है, जो गल्फ से ऑपरेट करता है। इन्हें सुख भिखारीवाल के जरिए ही हथियार मिले थे। पंजाब में खालिस्तानी विचारधारा को हवा देने के लिए ISI पंजाब के गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। अब ये 1 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का फंड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र की अधोसंरचना का हो। ये किसे मिलेगा? कॉपरेटिव को मिलेगा, FPO को मिलेगा, एग्री स्टार्टअप को मिलेगा। और जब हमने कानून बना के खोल दिया कि भाई किसान के खेत से ही खरीदा जा सकता है, तो निजी निवेश के दरवाजे खुल सकें, कृषि कानूनों को इसीलिए बनाया गया है। और यही कृषि कानून निजी निवेश के रास्तों को खोलेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, ये कोशिश इन कृषि कानूनों के जरिए की गई है। ये बात कौन कह रहा है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो
चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और हृदय से बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।